होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी वर्ड कहां से आया? बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले दो व्यक्ति थे। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग करने वाले दो व्यक्ति थे। एक के नाम था लैंडमार्क, ठीक है, और दूसरा का नाम था रेवी रेनस, ठीक है। एक का नाम था लैंडमार्क और एक का नाम ट्रेवी रेनस। तो आपसे यह क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजी शब्द का, बायोलॉजी टर्म का सबसे प्रथम प्रयोग करने वाले, सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? तो हम लोग बोलेंगे एक थे लैंडमार्क और एक जो थे ट्रेवी रेनस। देखो लैंडमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। लैंडमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवी रेनस जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन, ठीक है। यानी जर्मनी के रहने वाले थे। क्लियर हो गया? अब देखो इन्होंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो बायोलॉजी टर्म है यानी बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हम क्या बताएंगे? लैंडमार्क एंड ट्रेवी रेनस थे। और लैंडमार्क पूछ दिया जाए कि लैंडमार्क कहां के रहने वाले थे, तो लैंडमार्क कहां के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और ट्रेवी रेनस कहां के रहने वाले थे? तो ट्रेवी रेनस जर्मन के यानी जर्मनी के रहने वाले थे। है बायोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैंडमार्क एंड ट्रेवी रेनस ने किया था। और लैंडमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवी रेनस जो थे वो जर्मन के, जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। अब देखो इन्होंने कब किया था इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 1802 में इन्होंने क्या किया था? इसका प्रयोग किया था, यानी इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले लैंडमार्क और ट्रेवी रेनस 1802 में किए थे। किसी किसी बुक में आपको 1801 मिलता है। क्या मिलता है? 1801 मिलता है। तो आपको इतना याद रखना है कि 1801 या 1802 कभी कभी मिलता है, जैसे कि मॉडर्न जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चेंज कर दिया गया है और किसी किसी में वही का वही रह गया है। तो इसमें कोई बात नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत होगा आपको। यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब एक ही तो दिया रहेगा, 1802 या 1801 दिया रहेगा, तो आप तो समझ जाओगे इतना। बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी कि बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जनक कौन है, जनक कौन है, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं अरस्तु। क्या बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु। तो कोई पूछेगा कि बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी के जनक कौन है, तो हम क्या बताएंगे? अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। बायोलॉजी को सबसे पहले मतलब अरस्तु ही इनको इनको फादर बोला जाता है बायोलॉजी का। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब देखो एक और पॉइंट है, यही भी लिखा दे रहे हैं, ठीक ना। बायोलॉजी बायो प्लस लोगस से मिलकर बना है। बायो प्लस लोगस से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी बायो लोगस यानी जीव अध्ययन, मतलब जीव के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे कोई डाउट होंगे ना तभी तो उनको लिविंग बोलेंगे। तो यहाँ पे बोले हैं कि रिस्पिरेशन करते हैं यानी श्वसन करते हैं। देखो ऑक्सीजन आपको सेल जब पढ़ोगे अच्छे से तो आपको रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि रिस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। लिविंग जो थिंग्स होते हैं दिन पर दिन बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं ना। तीसरा न्यूट्रिशन चाहिए उनको, पोषण चाहिए। उनका बॉडी सेल से बना होता है, सेल के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जिनको साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन लेते हैं यानी कि उनको पोषण चाहिए। और पोषण चाहिए किस लिए? उनको जिंदा रहने के लिए भाई, एनर्जी चाहिए ना।
डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, कहने का मतलब कि पाचन करते हैं और उत्सर्जन भी करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज खाते हैं तो उसको पचाना पड़ता है, नहीं पड़ता है, पचाते हैं ना, तो पचाएंगे, और पचाएंगे तो अगर कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे तो उनको बाहर रिलीज भी करते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके पेरेंट्स मिलकर आपको जन्म दिए, दिया है ना, वैसे ही एक सीक्वेंस चलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चल रहा है ना, तो क्या है, प्रजनन की प्रक्रिया है, एक वृद्धि हो रहा है जैसे सब में, तो वैसे ही प्लांट भी होते हैं, तो एक से प्लांट से बढ़कर एक प्लांट होते हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं, होते जाते हैं ऐसे करके कुछ। तो इसको आप लोग नोट कर लो जल्दी से कि मतलब क्या क्या गुण होते हैं लिविंग के, लिविंग के कैसे बोलेंगे लोग, लिविंग थिंग्स है, जीव विज्ञान की शाखा है, ठीक है, मतलब ब्रांच कितने होते हैं उसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। बायोलॉजी जो होता है उसके दो ब्रांच दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी में हम लोग जंतु विज्ञान, यानी इसका नाम जंतु है, जंतु विज्ञान में जितने भी एनिमल्स होते हैं, धरती के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान, जितने पेड़ पौधे प्लांट होते हैं इनके बारे में हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं, ठीक है। आप नाम से ही देख सकते हो कि यहाँ पे जंतु विज्ञान लिखा है और वहाँ पे वनस्पति यानी वनों, वनों के बारे में पढ़ना वनस्पति विज्ञान, यानी वनों के बारे में, जंगल झाड़ियों के बारे में पढ़ना, किस चीज में हम लोग पढ़ते हैं, बॉटनी में। अब इनके भी फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन होते हैं, तो अरस्तु, अरस्तु ही जूलॉजी के जंतु विज्ञान के पिता माने जाते हैं। जंतु विज्ञान के पिता किसको माना जाता है, अरस्तु को। अब देखो यहाँ बोले कि फादर ऑफ बॉटनी, मतलब बॉटनी के पिता किसको माना जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ थियोफ्रेटस, मतलब थियोफ्रेटस को ही क्या माना जाता है, बॉटनी विज्ञान का फादर माना जाता है, पिता माना जाता है। इन दोनों ने एक बुक लिखा था, जैसे कि मान लेते हैं जूलॉजी जो है, जूलॉजी कौन लिखा है, कौन फादर है, अरस्तु है, तो अरस्तु जो थे वो मान लेते हैं गुरु है, गुरु है, और शिष्य कौन थे, तो अब देखो इन दोनों ने एक बुक लिख दिया था, एक एक करके अपने अपने बारे में बुक लिख दिया था, मतलब यह जंतु विज्ञान के फादर थे तो यह जंतु के बारे में लिख दिया था, वह वनस्पति विज्ञान के फादर थे तो वह वनस्पति के बारे में, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में एक बुक लिख दिया था। तो इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम, मतलब इसमें ना कम से कम 500 प्रकार के जानवरों के बारे में उन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था, बताया था डिटेल में कि 500 प्रकार के जानवरों के बारे में उन्होंने बताया था। और उनका बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलियम, क्या है, एनिमिलियम से आप याद रहोगे, एनिमल एनिमिलियम, समझ रहे हो, तो हिस्टोरिया एनिमिलियम किसका बुक है, अरस्तु का। और बुक एक यह जो थे इन्होंने भी एक बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, तो इसमें भी इन्होंने कम से कम 500 प्रकार के जानवरों के बारे में, सॉरी पेड़ पौधों के बारे में बताया था, समझ में आ रहा है, किस बुक में, हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और इन्होंने 500 प्रकार के कम से कम जानवरों के बारे में बताया था, किस बुक में, हिस्टोरिया एनिमिलियम में, समझ में आया कि